गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद यिदास श्री हरिदास को जीवत है बिगड़ी लें समारे मेरी कुंज विहार और सो कर सके अपने को प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खो ਰੇ ਕੁੰਜ ਵਿਹਾਰਿਨ ਲਾਲਨੀ ਤੁਮ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੂੰ ਨਾਗਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੂ ਪ੍ਰਾਨ ਜਾਨ ਨਦੀ ਜੋ ਜਗ ਤੁਮੈ ਪਰਸੂ ਪਦਿ ਸੁ ਖੁਦਾਨ जो बिगरेगी रावरी हो भगत ताते तुम सो कह तो है भूल छुड़ाओ लाडली समझ दे भरपूर यह बात हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर मेरी लाज लाड़ी तो हे तिहारी हा श्री श्री दास अवन आनगत कुमरे चरण कमल मम्मा <coughs> मम मनोहरिदास पद बुझे बसतु सर्वदुरासु विनाशिके तदनुगाम सुसङ्गतिरस्तु वपुरिदं विपुनान् तूयात् मूर्ध्ना न हरिदाशु हरिदासुपादं वाचा बदामो हरिदासना द्रगभ्याम हरिदास हरिदासमूर्ते आधो न विदभो को सुजस भर सर्वदा रसन् श्रीहरिदासगुणनाम भाखों नासिकास हेज श्री हरिदास सौरवसन् मनस श्री हरिदास निोको जय श्रीवर विहारिन्द श्रीहरिदास विपुलवल् शकलखलोकविधि विषम नाखो धन्य सोई शीष श्री हरिदास चरण बंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखो नैन श्री हरिदास के रूप राखो <coughs> परमोज्वल चिन्मय महामधुर सा निरवधि नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुरेक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि ऋषिक कमल कुल दिवाकर अनन नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी भैरन जो श्री धाम वृंदावन सिंह आचार्य जन ऋषिकन जन, जन भक्त जन गुरुजन गुरुदेव श्री हरदास नाम श्री वृंदावन धाम इस जीवन में जिन किन्ही प्राणियों को बड़भागियों को ये सुख सौभाग्य प्राप्त हो गया भगवत उपासना कोई भी जिनको प्राप्त हो गई बड़े भाग बड़े बड़ बाबू भाग। लेकिन भगवत उपासना का भी सार लालजू का लालली का साक्षात हृदय का प्रेम, वृंदावनी उपासना हृदय रसरूपा सहश्री श्री ललिता जू हरिदासी जू इनकी रसरीति इनकी परंपरा इनका नाम ये सुख ये अत्यंत दुर्लभ है हम तो समझते हैं कि स्वामी जी महाराज ही ये नकारेण किसी जीप पे क्षण के माध्यम से जब कृपा करते हैं यही अपनाते हैं। बड़ा दुर्लभ भगवत तो उपासना कोई भी बड़ी दुर्लभ लेकिन और भी दुर्लभ की दुर्लभ ये उपासना वृंदावनीय नित्रस प्रेम की उपासना प्रेमी जनों बस अब नाम और कछु जो ना बने एक नाम लेते किसी भी उपासना में बहुत रहे साधन है और समस्त साधनों का आखिरी तात्पर्य हरि के चरणों में अनुराग होना है लेकिन इनमें सबसे विशेष साधन सत्संग साधन को हरि भजन है के सतसंग सहाय हरि भजन निरंतर परंपरागत प्राप्त हुआ नाम मंत्र। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास जिन बड़भागियों ने ये महामहम नाम श्रीहरदास नाम जो पर्यापरितम को में करने का एक यंत्र है एक, मंत्र है, एक तंत्र है बिहार जी महाराज लाली जी भस्म हो जाती, इस नाम के बस विशेष बात तो ये, ये सुख सौभाग्य तो सत्संग के द्वारा ही हृदयंगम होता है महिमा ज्ञात होती ज्यात। है प्रेमी जनों संसार आशक्त प्राणी हर के नाम को आलस कत करते काल फिरत सर साधे अष्टादश सिद्धांत के दसवें पद में स्वामी जी महाराज कहते हैं अरे अनविज्ञ प्राणी छिन छिन तुम नाम जाप कर नाम जाप हरि का नाम जाप कर हरि के नाम को आलस कत कर रे काल फिरत सरस काल तेरी कंधा पे ही बैठा हुआ है बेर कुबेर कछु नहीं जानत <coughs> बेर कुबेर नहीं जानता यानी समय असमय समय असमय नहीं इनके परिवार में शादी हो रही है कि कोई मंगल दिवस है कुछ नहीं जब श्वास पूरे हो गए तुरंत ही अपनी चपेट में ले, ले लेता है कोई रोक नहीं सकता है काल फिर केस पकड़ रखे शास्त्र कहता है इस काल ने कंधा पे बैठ के केस पकड़ रखे हैं पूरे हुए तो झटका मारने की है कहीं से आना नहीं है तुरंत खेल खत्म पैसा हजम नाम जाप जिसने किया है शरणागति स्वीकार की है वो धन्य धन्य है जाएंगे वो भी लेकिन बिल्ली के बच्चा की तरह बिल्ली अपने बच्चों को अपने उसी मुख से उठा के जिससे चूहा को पकड़ने में ही मार देती है जिस मुख से चूहा को भी पकड़ती है अपने बच्चे को भी पकड़ती है पकड़ने में ही उसके प्राण हरण कर लेती है और अपने बच्चे को ही उसी मुख से पकड़ती है लेकिन बच्चे को ट्रांसफर करती है यहां से वहां अच्छी जगह पे सुरक्षित जगह ऐसे काल हरि भक्तों की सेवा करता है दंडवत प्रणाम करके सेवा करता है इनको इनके धाम के लिए पहुंचाने की जहां जहां जैसे जैसे जिन और संसार आशक्त प्राणियों को ग्रास कर लेता है यम के दूत दिखते हैं बहुतों को भयंकर मलमूत्र का त्याग कर देता है प्राण छोड़ने के समय में बुरी तरह दशा हो जाती है कांपता है घबड़ाता है रोता है कईयों को तो उनको यमदूत के दर्शन हुए हैं होने चाहिए है भक्तों के पार्षदों के ठाकुर जी के लेकिन भजन नहीं करेंगे तो यमदूतों के ही फिर समझो यम के द्वारे जा रहा है नरकों में जा रहा है रोता चिल्लाता है आपका छोड़ने वाले वेर <laughs> कुबेर कछु नहीं जानत चढ़ो है तो है कांधी हीरा बहुत जवार संच कहा भयो हस्ती दर बांधे हीरा जवाहरात आती घोड़ा बड़ी बड़ी सुख संपत्ति है राजा महाराजा हैं क्या हुआ भैया ये सब नश्वर है फंसाने वाला है तेरा हनन करने वाला है कुछ नहीं है नश्वर बुरी तरह फसेगा हां इसका अहम भाव नहीं हुआ सेवा भाव रहा और इसके बीच में रह के भजन भाव तो जीत जाओगे नहीं तो जितनी यहां की सुख संपत्ति है उतना ही फसना है फसना है जितने सुख भोग रहे हैं यहां जितना सुख भोग रहे हैं संत महापुरुष बड़े बड़े राजा महाराजा सुख संपत्ति को बड़े बड़े वैभव को त्याग के क्यों जंगल में भजन करते इसीलिए करते उनको विवेक हो गया गुरुओं की कृपा से कि ये सुख दुख दे जाए ये जो सुख है निश्चित ही हमारे जन्म जन्मांतर को दुख का कारण बनेगा इसलिए सुख का परिग करके साधारण एकदम जीवन में एक सुख संपत्ति तो आई है तुम्हारे पास चाहे तुम नहीं कमाइए केवल तुम्हारे उपयोग के लिए नहीं है ये सेवा के लिए है हाथ पैर सब कुछ प्रभु ने दिया है जो जो सेवाए धर्म रूप से उनमें खर्च करिए अनर्गल लगे तब यह सेवा ही एक साधन और प्रभु से मिलाने वाली हो जाएगी गौ सेवा संत सेवा दीन दुखी गरीबों की सेवा और वृंदावन में जिनकी सेवा लगती हो चाहे उत्सवों में चाहे जिस सेवा में संत सेवा में ठाकुर सेवा में वो तो धन्य धन्य है जिनका धन वृंदावन धाम में लगता है वो महाधन धन्य है बड़ों से ऐसा सुना कोई वृंदावन वास नहीं करते हैं लेकिन पूंजीपति हैं धन सामग्री काफी है दीन भाव से बड़े कहते हैं इस प्रकार भी उनका वृंदावन वास का फल प्राप्त होगा दीन भाव से करुणा भाव से अहम भाव से नहीं बृंदावन वासी संत भक्त जो भी हैं, चाहे वृंदावन के चिंटा मकोड़े या गौ कोई भी पक्षी अथवा वृंदावन में बस के जो भजन कर रहे हैं उनकी आज्ञा के अनुसार चलो उनकी सेवा करो वृंदावन वासी किसी भी रूप में उनकी सेवा करिए तो तो वृंदावन जी की कृपा जहां भी तुम बैठे हो जाए ऐसा बढ़ो ये भी वृंदावन वास है जैसे सब में तन से मन से धन से बहुत प्रेमी जन सेवा करते हैं <laughs> बड़भागी तो हीरा बहुत जवाहर संचे कहा भयो हस्ती दरबाधे प्रेमीजनों आज तृतीय दिवस था प्रातः काल आज विशेष कार्यक्रम था प्रातः काल विशिष्ट संतों का समागम विशेष समाज और विशेष प्रसादी धूमधाम के साथ में और समाज गायन पद हुआ था आज प्यारी सहेज मन हर ले ये पद बड़ा सुंदर पद है यह पद के मध्य में बिहार जी महाराज के प्रिया जी के प्रति अवाद आशक्ति अति दर्शित होती जब इसका चिंतन मनन और उसको डूब के पढ़ोगे आनंद मन भर जाओ ऐसा अद्भुत सभी पद अद्भुत एक से लेकिन उनमें डूब ना जब आ जाए जनों की प्रेमी जनों गुरु जनों की कृपा से तब जीवन की सफलता तब भेदी जो दिन हो प्रेम पदार्थ पाप है सब प्रेम पदार्थ प्राप्त हो समाज गायन जो है प्रसाद बड़े धूमधाम से बहुत अच्छा स्वामी जी विहार जी महाराज जय हो ये आपकी कृपा से ही संभव है नहीं माया के नाटकों में तो कसर नहीं रहती है जीव को घसीटना चाहती है जीव की मनोस्थिति को कहीं से कहीं झटक के और घसीटना चाहती है लेकिन हे कृपानाथ आप ही सबके रक्षक हैं ये जो सुख सौभाग्य है भजन का सेवा का इस जीव से मरण धर्मा से केवल और केवल आपकी कृपा से हो सकता है किसी की सामर्थ्य नहीं इसलिए महाराज ने कह दिया काहू को वसनाए तुम्हारी कृपा तो सब हो बिहारी और धीरा बहुत जवाहर संचे कहा भयो हस्ती दर बांधे हाथी घोड़ा बड़ी बड़ी सुख संपत्ति क्या हो गया भैया हीरा पन्ना जवारा इनका संचय किया सब उड़ जाए कुछ नहीं है तेरा बिगाड़ने वाले हैं बनाने वाले नहीं है सब वैभव कहे श्री हरिदास महल में बनता बन ठाड़ी भाई महल में अनेक श्रृंगारों से सुसज्जित सुंदर सुंदर नारिया और प्रत्येक सेवा के लिए तत्पर हैं महल में बनता ठाड़ी बन भरी लेकिन एक और चलत जब आवत अंत की आंधी किसी की एक भी नहीं चलेगी जब अंत की आंधी आएगी जो ये कोई भी रखा और कोई भी सुख नहीं दे सकते हैं स्वामी जी महाराज बोले कोई भी सुख नहीं से दे यहाँ के कोई भी सामग्री मरण म्रन धर्मा मरणासन व्यक्ति को क्या सुख दे? ये नश्वर है स्वयं अपने आप में आप तुम भी नश्वर ये भी नश्वर 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 को क्या सुख या हरि मिलते हैं लेकिन चतुराई यह है कि इसी बवंडर के बीच में इसी आडंबर के बीच में हरि का भजन हरि की सेवा नाम चिंतन सत्संग इस अमृत तत्व को बटोर लिया वो धन धन्य हो गए नहीं तो कूड़ा करकट बटोरने में अनेक जन्मों से बुद्धि मन लगे हुए हैं लेकिन अब ये मुश्किल से सुख सौभाग्य मिला है कि प्रत्येक क्षण हम अमृत बटोरे सत्संग अमृत अमृत दर्शना अमृत ये सब अमृत है ये सब अमृत तत्व है इनको बटो बढ़ भाग तुम्हारा कल्याण और तुमको प्राप्ति होना तो है ही तुमको तो होगी होगी लेकिन भैया तुम्हारे दर्शन संभाषण तुम्हारे दर्शन से संभाषण से कृति प्रतियों से असंख्य लोगों का कल्याण प्रारंभ हो जाएगा अभी तुमको अपनी क्षमता का मालूम नहीं है इस भजन करने वालों की क्षमता का ये बड़ी गोपनीय रहती है आपको पहले सुनाया है नारद पुराण में आया है यदि भजनानंदी कोई महापुरुष किसी मृतक की चिता जल रही है उसका धुआं ऊपर को जा रहा है और वो पापी है किसी महापुरुष की सहज ऊपर को दृष्टि हो गई उसको देखा ये धुआं कहां से आ रहा पता नहीं हाँ कोई इधर दर... पधार गया होगा उसको जला रहे हों ठीक है चलो उसकी दृष्टि पड़ गई उसका कल्याण हो गया इतनी दृष्टि उसको नहीं मालूम भागवतिक शक्ति ने उसका सहज कल्याण कर दिए वो शक्ति इन महापुरुषों के वचनों में इनके दर्शन में इनमें सब निहत है इस भजन की शक्ति इसलिए एक बीर एक बार स्वामी गुण गाय तो आवागवन भरम मिट जाए और बिहारी बिहार के सुख है समाय फिर संसार में कबू न आए एक जन्म को लगा दो कड़ाई करके बड़े बड़े आवरण आएंगे तुमको हटाने के झुकाने के भगाने के परमार से भाग के कीचड़ में गिर जाओ भाई ऐसे ऐसे आवरण आएंगे मुश्किल से तो जहां तक पहुंचे वहां पहुंचे फिर माया लपक रही है लंबी जीव करके माया लपकने लगती है इस लपक में मत आ जाना प्रत्येक साधक की स्थिति में आता है जीवन में बड़ी लेकिन जो सावधान है वो दृढ़ रहते हैं अपने आप में नहीं तो माया के द्वारा ऐसे परास्त होते हैं पता भी नहीं चलता है कि हम को करना क्या चाहिए विवेक भी चला जाता है कई बार ऐसे ऐसे, ऐसे प्रभु ही बचा में बिहारी बिहार लेकिन उनको निश्चित बचाते हैं वो जो गुरुओं में अपार श्रद्धा स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रेम उनको प्रभु माया से निश्चित बात यही से परमार्थ शुरू होता है और अंत भी यही है और प्रारंभ भी प्रारंभ प्रारंभ सबसे पहले सभी शास्त्रों का निष्कर्ष है गुरुओं में संतों में श्रद्धा श्रद्धावान लवते ज्ञानम प्रहा ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मिश्रणादि ग्रद्धावान परम श्रद्धा श्रद्धा तब परम पद के अधिकारी होते हैं श्रद्धा संशयात्मा बिना शक्ति जो संशयात्मा है संशय हो गया हाँ ये भी हो सकता ये भी और संशय में जी रहे हैं भगवान कृष्ण बोले उनकी अश्रद्धा श्रद्धा नहीं है महापुरुषों में गुरुजनों में संशयात्मा बिना शत्रु उनका निश्चित विनाश होता है मैं भी नहीं बचा पाता नहीं। कहें श्री हरिदास महल में बनता बन ठाड़ी भई को न चलत जब आवत अंत की आंधे हरी को हरि के नाम को आलस कत काल फिर सर साधे हरी के नाम का आलस मत करिए भैया निरंतर नाम जाप का अभ्यास करिए सारी बाग बन जाएगी दिखाए तेरे साधन में औरों में मन होता है लेकिन नाम जाप में मन नहीं होता है वो स्थाई नहीं अभी वो कभी भी इधर उधर गिर सकते हैं नाम जाप सबसे पहले नाम जाप पकड़िए और गुंजाइश गुरु निष्ठा सत्संग नाम जाप इनको पकड़ लो आचार्यन आचार कहते हैं परमेश्वर प्रतीत नहीं पैसन की प्रतीत अधिकांश किसी के मान सम्मान को वैभव को देख के जलन प्रतिष्ठा को बढ़ने को देख के जलन अथवा स्वयं को मान सम्मान की और पैसन की इच्छा यही सब दुर्दशा का कारण है परमेश्वर प्रतीत नहीं ये कामनाएं सम्मान की कामना भाई इनका तो बड़ा सम्मान हो रहा है ये तो बड़े ऊंच निवास नीच कर महाराज बोले ये सब माया का खेल इसके मध्य में कामनाएं संसार के सुख मेरे को मिले इनको क्यों मिल रहा है मेरे पास आ वैभव ऐसा होता है ऊंच निवास नीच करतूती इस संसार के देखने में वो ऊंचे ऊंचे से भी देखते हैं लेकिन नीच करतूती देख न सके पराई विभूति बड़े कह रहे हैं पराई विभूति को नहीं देख सकते महाराज बोले परमेश्वर प्रतीत नहीं विश्वास इष्ट के भजन में संतों के चरणों में अनुराग में सत्संग में इनमें विश्वास नहीं है परमेश्वर में प्रतीत नहीं है पैसन की प्रतीत केवल मान सम्मान पैसा इसी में विश्वास है और ये सब नस्वर है नरक में ले जाने वाला मामला है इसमें बिनु भगवत भाव निध काती अरे हरि के चरणों में तुम्हारा अनुराग नहीं बना निरंतर नाम जाप सत्संग और संत महापुरुषों का दीन भाव से सानिध्य ग्रहण नहीं किया तो चाहे तुम विरक्त ही हो तुमको भवसागर में डूबना पड़े यो कह रहे हैं बीनु भगवत तो भवनिध पड़े तुम तो मही की मही हो गे ही कहा अतीत चाहे ग्रस्ती हो अतीत चाहे ग्रस्त हो अगर ये नहीं है एकमात्र भगवत अनुराग की आकांक्षा मिलन की उनको दुखदे तो देने किया काम हृदय कमल में नहीं है तो दोनों के दोनों ही चाहे द्रक्त तो हो चाहे ग्रस्त हो कानून दोनों के लिए है बिनु भगवत भवनिध पर ही कहाती इसलिए सावधान भूलो भूल में कभी किसी की निंदा करो मत सुनो मत सुनना भी उतना ही अपराध है जितना करना अपराध है बहुत बार बताया है पर निंदा किए कियी आवत नहीं कचुहात मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ मूर्त ये पाप का पर्वत तू अपने साथ लेके जाएगा निंदा के करने से कुछ लाभ नहीं होगा तुझे बड़ी मीठी मीठी लगती है सुनने में और करने में निश्चित तेरा विनाश हो जाएगा कर्णता तप पहले से सुनते चलाए चले आए कि जहां हरी गुरु की निंदा होती हो कानों में उंगली लगा ले। इन बात क्या तो कानों में उंगली लगा ले क्या वहां से चला जाए क्या उसको उत्तर दे सीधा उससे उसको परास्त कर दे परास्त करने की क्षमता नहीं तो कानों में उंगली लगा के वहां से चला जाए सुने नहीं बात बिनु भगवत भव भवनिध पर हरि गुरु निंदा सुने जो काना लगे पाप गौ घात समाना वु संतुषा जी कहते हैं जो हरि की और गुरु की निंदा सुनते हैं उनको गौ मारे का पाप लगता है जैसे गौ का वध कर दिया वो पाप छूटता नहीं ऐसा है भयंकर है बड़ा भय प्रभु मिलन तो बहुत दूर रह गया अपराधी महापराधी बन जाते गे ही कहा अतीत श्याम सर्वस धन भूले गे ही हो या अतीत हो विरक्त हो ये श्याम श्यामा श्याम का जो अचिंत्य प्रेम रूपी वैभव है उसमें तो मन लगाया नहीं और संसार की आवरण पैसा में मान सम्मान इनमें मन लगा। श्याम सर्वस धन भूले हमारा जो हृदय का धन है श्यामा श्याम स्वामी जी महाराज की लाड़ी लड़ली लाल ये हमारा सर्वस्व धन है इनका प्रेम हमारी दंपत संपत्ति बढ़त घटत नहीं कबू ये सुख सागर की रेल अतुलित अमित अनुपम अद्भुत ठेला ठेल, और भगवत ऋषिक द्रगन में दीनी श्यामा श्याम सकेत अद्भुत बिहारी बिहार का प्रेम, प्रेम इसका चिंतन प्रेम। नाम चिंतन नाम जब ये हमारा धन है और इस नश्वर धन के पीछे अपना सर्वस्वनाश कर लेते हैं कनक कामिनी देख रहे सुबासर फूले कनक कामिनी कनक माने सोना अथवा वैभव बहुत बड़ा वैभव संपत्ति पैसा धीला बहुत से कामनी स्त्री बड़ी बड़ी सुंदर स्त्रियां हैं बड़े बड़े गहनों से सुसज्जित तभी बताया बहुत बड़ा वैभव है चाहे चक्रवर्ती सम्राट है कुछ नहीं कुछ नहीं उतना ही फंसना भजन नहीं उतना ही फसा है, बुरी तरह फसा अनेक जन्म नरकों में कीड़ा मकोड़े बनते बीतते हैं राजेश्वरी राजे नरकेश्वरी, किसी सकाम तपस्या से राजपद प्राप्त होता है विशेष तपस्या यज्ञ यज्ञवन पूर्व समय में किए होंगे। हरि भक्ति नहीं करी, तो राजपद मिलता है संसार में और फिर वो, फिर वो इस तरीके से क्योंकि भक्ति में हृदय तो रहा नहीं है सकामी हृदय वो मांगा मिल गया तो आचार्य महान कह रहे हैं तपेश्वरी सुेश्वरी सु राजा बन गया तपस्या के बदले में और राजा बन के उसको घमंड अभिमान इस तरीके से रहेगा और राजा अगर धर्मात्मा नहीं है और धर्मात्माओं का संग नहीं करता है महापुरुषों का संग सानिध्य नहीं है जिसके पास तो उसके, उसके पास सदबुद्धि आई नहीं सकती है उसके पास केवल अहंकार ही अहंकार रहेगा और वो पतन का कारण है तो इसलिए ऐसे राजाओं को कहा है जो प्रजा को प्राणों के समान और धर्मात्माओं का आदर नहीं करते हैं महापुरुषों का आदर नहीं करते हैं तो उनको अनेक जन्म नरकों में उनके बीतते हैं महापुरुषों का कहना है तपेश्वरी सुरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी अनेक जन्म नरकों में एक घर के भी राजा होते हैं एक शहर के भी राजा होते हैं एक प्रांत के भी होते हैं एक देश के भी घर के राजा है बहुत बड़ा वैभव है वो भी एक सबको ही समझना है सबको दुर्वासा जी महाराज एक ही बार में दस दस हजार और भी कितनी कितनी समाधि लगा के भजन साधना और जो है दूब का दूब घास का रस पीते थे घास का रस पूरे जीवन पर्यंत कपड़ा कोई नहीं वलकल की लंगोटी और एक रानियों के संग राज्य में रहने वाला राजा अम्बरीश जी महाराज उनके कारण से दुर्वासा जी को बहुत नीचा देखना पड़ गया क्यों वो भक्त निष्काम अनन्न्य और दीन अपने को उसने राजा माना ही नहीं अपने को राजा नहीं माना मैं प्रभु आपका एक सबसे छोटा उसी तरीके से क्रिया समस्त धर्मात्माओं का सम्मान आदर एक साल तक एक ही पैर पे हाथ जोड़ के खड़े रहे हे प्रभु ये बिचारी विप्रदेव को क्यों कष्ट दिया जा रहा है महाराज लेकिन अपनों अपराध कोट सह सामरे हरिदास के दो सर्वस न को तो प्रभु माफ कर देते हैं लेकिन किसी संत का अपराध भक्त का अपराध किसी भक्त का अपराध संत का अपराध अगर कर दिया अपने स्वार्थ अपने सम्मान के चक्कर में तो निश्चित ही उसका विनाश कर देते ये देखा गया तो कनक कामिनी देख रहे निशुभार फूले यहाँ के वैभव को यहाँ की चमक दमक सुंदरता इसको देख देख के रात दिन फूले रहते हैं ये तो चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात अंधेरी रात आने वाली है सावधान पता नहीं शरीर में कौन सा रोग लग जाए कौन सी घटना घट गट जाए और कोई घटना न घटी और कोई रोग नहीं लगेगा तो मृत्यु रूपी रोग तो आ ही रहा है पता नहीं कब आ जाए हार्ट अटैकों की बीमारी ऐसी चल रही है देख रहे हैं पहले नहीं था ऐसा। पता नहीं चटपट चले जाते हैं हष्ट पुष्ट उम्र भी ज्यादा नहीं चले गई लो कोई पता है क्या एक मिनट का नहीं पता कौन सी बीमारी लग जाए कौन सा क्या हो जाए भैया तब दुखे जब बिल्लाए तेरा शरीर ठीक था तेने उसको गफलत में बिता दिया न संतों की सेवा करी ना भजन किया न सत्संग सुना और अब दुखने लगा कोई बीमारी हो गई अथवा बुढ़ापा आ गया <स्थारागा> <स्थारा> किसी भी कारण से अब तू तो रोता तो तुझे राखने वाला कौन है राखने वाले प्रभु हैं भजन करता सत्संग सुनता तेरे पास ऐसा विवेक सुरक्षित होता कि तू किसी भी यहां की बाधा से बाधित नहीं होता एक दृढ़ विश्वास भक्त जिनको विवेक है ना कल भी सुनाया था परसों कुसुम लता जो आगरे वाली मैं परिवार के उनको गाड़ी में वो सुनाया था जिनके पास विवेक है मरते दम तक, 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 तक वो हताश नहीं होते दृढ़ अपने इष्ट के शरणार में रहती कोई बात नहीं जोई जो ही तुम राखत हो संसारियों की तरह रोते नहीं है के विपत्ति को भी हसके सहन कर। पहली बात तो पे विपत्ति आती नहीं है फिर भी प्रबल प्रारब्ध के कारण कोई आतीयत आती कम आती है और कम आओ ज्यादा आओ वो प्रभु का प्रसाद मान के उनको सहन शक्ति प्राप्त होती है सहन शक्ति प्राप्त होती है यही तो सबसे बड़ी पूंजी है ये हरि भक्तों के विवेकियों के पास होती है संसार के पछड़े वालों को रोते देखा है मैंने यही वृंदावन नहीं एक थे इतना उनका स्वभाव अलग तरह का बुरी तरह का स्वभाव लोगों को अलग तरह से अब अचानक ऐसा ही नहीं लगता ये अब उनकी उम्र तो फिर ज्यादा थी पर ऐसा नहीं कि अब जाएंगे अचानक बीमार हो बीमार भाई और फिर वो बेड पे पड़ गए अब डॉक्टर ने कह दिए दो चार दिन कहिए अब देख रहे हैं सब देखने वाले भैया मोए बचा लो नाम जाप का जाब कोई मतलब नहीं ठाकुर जी भजन कोई मतलब भाई मोह बचा लो जब तो दूसरों को ऐसे मानो जैसे कि जिनका उनको खाई जाओगे ऐसा स्वभाव आप कह रहे हैं मुझे रो रहे मुझे बचा लो कौन है बचाने वाला यहाँ कोई है अगर विवेक होता सत्संग सुनते भजन करता ये भजन बचाता कोई नहीं है बचाने वाला यहाँ कनक काम दे सुबास निशवासर फूले रहते हैं यहाँ फूलन को है क्या महापुरुष इसीलिए कहते हैं यहाँ की वैभव का कहीं भी अहम भाव करके किसी गुण का किसी बात का अहम भाव करके और फूलने मन में अहम भाव और पुष्ट हो रहा है तो बहुत बड़े घाटे में है दिन दस प्रभुता पाए अरे दस दिन की प्रभुता तुझे प्राप्त हो गई है ऐसा धेला प्रारब्ध के अनुसार तुझे प्राप्त हो गया कहे हम ही परमेश्वर तू कहता नहीं परमेश्वर नहीं परमेश्वर हूं ऐसा देखा जाएगा मैं 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 यही मार डालती बिना सत्संग के विवेक होता तो ही नहीं है जी मरा हुआ है जीते जी मरा हुआ है जिन हरि भक्त हृदय तो नहीं आनी जीवित, जीवित सब समान ही प्राणी जीवित ही सब माने मृतक बॉडी डेड बॉडी जीते जी मरा हुआ है और हरि भक्ति हृदय में नहीं आई सत्संग नहीं सुनते हैं, भजन नहीं मरा हुआ है उसको जीवित नहीं मानते महापुरुष लोग तो दिन दस प्रभुता पाई अहंकार मरबो ये अहंकार दूल है विचार कोई बिल्लो सके समार अहंकार ही मरना बताया अपमान भावों मरना क्या अहंकार अहंकार है तुम्हारे पास इसी को मृत्यु कहते हैं अहंकार नहीं है प्रभु के शरणों अनुराग दीन भाव है तो, तो मृत्यु से और जन्म से फंदा कट जाता है जब तक जब ये अहंकार है मैं, मैं 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 जब तक ये नहीं हुआ तू 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 तब तक मरना पड़ेगा 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 और ये होगा अहंकार नाश सत्संग से और भजन निरंतर से और दीन और रसिक अनन्यों का संकल्प दिन दस प्रभुता पाए कहें हम ही सर्वेश्वर हम ही सर्वेश्वर हैं हम ही सबके स्वामी हैं दस दिन की प्रभुता को पाके कह रहे हम ही स्वामी उनके भी पते नहीं लगे जिनका एक छत्र राज था पूरी पृथ्वी पर वो भी आखिर दोनों हाथों को अर्थी से बाहर निकाल के, के भैया कुछ भी नहीं ले जा रहा हूं देख लो कुछ भी नहीं ले जा कह दिया था कि मेरे दोनों हाथ बाहर को निकाल देना अर्थी से पूरे संसार को जीत लिया फिर भी मैं कुछ नहीं लेके जा ये दीन दस प्रभुता पाए कहें हम ही सर्वेश्वर मद पिए जिए कैसे परमेश्वर ही परमपिता परमेश्वर दीनदयाल दयाल हरण जगदीश्वर प्रभु महामोह मद पिए जिए कैसे परमेश्वर? इन्होंने तो महामुह मत पी रखा ये मोह मोहरूपी आसव, 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 अभिमान रूपी आशब ये पी रखा पी है तो ये कैसे जिएंगे ये, ये, तो ये मरे, मरे के ही समान है मृतक मृतक समान है इसलिए भैया निरंतर नाम जब निरंतर, निरंतर सत्संग इस जीवन में जिसके पास है वो ही जीवित है और ये नहीं है ये संत गुरु कृपा से संभव है इनके, इनके स्त्री चरणों में श्रद्धा होना ही प्रभु की प्राप्ति होना है श्रद्धा में जितना अंतर सत्संग में भी अंतर फिर भजन में अंतर फिर प्राप्ति में अंतर इसलिए प्रेमी जनों निरंतर भजन करिए और सत्संग उत्सव महामहम उत्सव श्री पीता मु जी महाराज का आज तृतीय दिन था चल रहा है आप जो भी जो यूट्यूब के माध्यम से आप समाज गायन भी थोड़ा थोड़ा श्रवण तो इससे वृंदावन धाम के प्रति देखेंगे दर्शन करेंगे संतों के मान लीजिए यहाँ नहीं उपस्थित हो सकते हैं बहुत तो वही दर्शन करो और प्रणाम करो तो ठाकुर इतने से भी काफ़ी प्रसन्न प्रसन्नता मिलती है ठाकुर की भाव से निष्ठा से दंडवत प्रणाम करो जैसे मान लीजिए मोबाइल को ही आगे रख के और संतों के दर्शन करते उनको साष्टांग दंडोत करो पंचांग दंडौत करो बड़ा लाभ होता है परमार्थिक लाभ है ये एक एक परमार्थिक पूंजी को बटोरते चलो हम्म एक बार तुमने झुक के किसी को हाथ जोड़ के प्रणाम कर दिया ना ये भी लिख गया भैया एक एक परमार्थिक पूंजी का हिसाब होगा और तुमने किसी से तनक भी कुदृष्टि अभाव कोई तनक तो वो भी लिखा जाएगा इसलिए सावधान सावधान निरंतर नाम जाप करो श्री हरदास श्री हरिदास